So today I am kind of fulfilling my childhood, not just childhood, but the dream that I've always had, because I am standing in the MasterChef kitchen, in a busy MasterChef kitchen, with the two Michelin star chefs who have revolutionized Indian culinary and to the world. And it's a pleasure to be standing in their company and experience firsthand what their cooking looks like. आज हम बना रहे हैं दो तरह के डिफरेंट सैंडविचेस. ओके, सो वी वांट टू टेल के कुकिंग जो है एक कला है बहुत बड़ी. साइंस है पर कम साइंस है मेरे हिसाब से. शुरू होता है 3 सेकंड्स. अच्छा, अगर आपने डायलॉग ठीक बोल दिया मैं रुक जाऊंगा. अगर आपने वो डायलॉग ठीक बोल दिया फिर आई विल स्टॉप यू. सब देख रहे हैं. अच्छा, लास्ट 3 सेकंड्स. 3 2 1. गरिमा, काम खत्म पीछे कदम. इनके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं पका रही हूँ. इनके सारे जो प्याज छीलो, ये करो, वो सारे काम मेरे हैं. और बाद में ये मुझसे कुछ शेयर नहीं करने वाले और अपनी प्लेटिंग खुद करेंगे. तो मेरे को पहले लगा था मैं अपना पुलित्जर प्राइज जीतने के बाद एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, पर थैंक गॉड मैंने उसके लिए वेट नहीं किया. वो कभी नहीं होने वाला था. अच्छा, आई थॉट यू वर डूइंग द गार्निश फॉर मी. नो, ओके, मतलब मैं ही कर रही हूं यहां. सर, आई एम सीनियर इन द किचन. ऑफ कोर्स शेफ. अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए क्या करूं मैं? अब सब कहेंगे, मेरी मम्मा अगर देख रही तो मम्मा बोलेगी आई इतनी ज्यादा एक एक चीज को लेके बैठा रहता है. इसका ये काटो, इसको ऐसे करो. मॉम जस्ट डज नॉट लाइक ऑल दिस. उनमें ना एक कैपेबिलिटी होती है, उनमें एक पैशन होता है, उनमें एक सपना होता है. बहुत जरूरी होता है कि आपके आसपास के लोग वो पैशन को सपोर्ट करें, वो ड्रीम को सपोर्ट करें. Chef Garima and Chef Vikas, welcome to Bollywood Bubble. Hello, ji, hello. And हम देख चुके, देख रहे हैं कि मतलब start हो चुका है सब कुछ. So firstly, give us a welcome to the MasterChef Kitchen. आप लोग hello and welcome to MasterChef Kitchen. Yes. Yes. So firstly, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं दो तरह के different sandwiches. Okay. So we want to tell के cooking जो है एक कला है बहुत बड़ी. Science है पर कम science है मेरे हिसाब से. हाँ, वो वी आर नॉट सो स्मार्ट दैट हम साइंस कर सके, पर हम एग्जैक्टली. पर आज क्या हो रहा है, आज शेफ विकास ने मुझे अपना सारा मीज़ा प्लास दे दिया करने के लिए. इनके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं पका रही हूँ. इनके सारे जो प्याज छीलो, ये करो, वो सारे काम मेरे हैं. और बाद में ये मुझसे कुछ शेयर नहीं करने वाले और अपनी प्लेटिंग खुद करेंगे और फिर ये कॉम्पिटिशन बन जाएगा. हाँ, वो तो मैंने पहले सुन लिया कि क्रीम चीज शेयर नहीं होगी. नहीं, कोई चीज शेयर नहीं होगी. उनका सारा काम मुझे करना है बस. बिल्कुल. बट आपने बोला स्मार्ट नहीं है, बट आप हमारे तरफ रह चुकी है. यू हैव बीन अ रिपोर्टर. सो फर्स्टली गरिमा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई आस्किंग, लाइक हाउ डिड द ट्रांजिशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू कुकिंग हैपन फॉर यू? Actually, I was not a very good reporter, to be honest. मैंने मास मीडिया पढ़ाई करी थी, मैंने जर्नलिज्म सीखा था, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एज अ जर्नलिस्ट थोड़े साल काम भी किया था. बट यू नो, मेरे पास हमेशा से एक शेफ बनना था और मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना था. देन आई रियलाइज कि कुकिंग एक बहुत यंग पर्सनस गेम है. जितना जल्दी शुरू किया जाए, जितनी जल्दी आप इस इंडस्ट्री में आओगे, इट्स बेटर फॉर यू. तो एट द एज ऑफ 21, 6 महीने एज अ जर्नलिस्ट काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाके अब कुकिंग ही करूंगी. तो मेरे को पहले लगा था मैं अपना पुलित्जर प्राइज जीतने के बाद एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, पर थैंक गॉड मैंने उसके लिए वेट नहीं किया. वो कभी नहीं होने वाला था. जीतने पुलित्जर प्राइज, वरना इंडिया को हमारी पहली फीमेल मिशलिन स्टार शेफ ना मिलती. देयर यू गो. आई रिमेम्बर मैंने अपनी पहली कुकिंग करी थी आलू के पराठे व्हेन आई वाज इन क्लास 6. क्या बात है. एंड सिंस देन आई हैव बीन इन लव विद कुकिंग. आई वाज इवन कॉल्ड मम्मी ऑफ माय ग्रुप बिकॉज़ आई यूज्ड टू फीड पीपल. During my college days, because I used to live in a flat. हम क्यों बना रहे हैं सैंडविच? आपको बनाना चाहिए. अरे मैं तो सीखना है. अच्छा. जब सामने मिशलिन स्टार शेफ हो ना, तो सीखने की अपॉर्चुनिटी लगा दे नजर. हाँ, ये मेरी गलती है. कुछ भी गड़बड़ हो, गलती मेरी है. मैंने क्यों नहीं किया टाइम पे? सब मम्मी में कंफ्यूज हो गए थे. मम्मी बोला अरे. बट विकास सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट, हमारे देश में ना लोगों को पता भी नहीं था कि वॉट मिशलिन स्टार शेफ is all about. Absolutely. आपका जब पहली बार लोगों को पता चला, and it kind of started a revolution that people started taking interest in culinary world. Actually, मेरे से पहले विनीत और उनको मिल चुका था. जी. विनीत और अतुल को. जी. They both got before me. अतुल, right? I feel like, but आपके आने से ना, people got to know about what Michelin. Went to the common man's home about this award. जैसे ऑस्कर जो है, तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, because our country has been like Olympics जो है हम सुनते आ रहे हैं. ये पहली बार हुआ था उस स्टेज के ऊपर. जी. So for us this was a very big deal. जी. So आपके लिए how kind of things changed in the country when you won the Michelin star?
I think colleges were the first ones which started making us understand that this education of Michelin and standardized cooking should happen in colleges. और कॉलेजेस में क्या था कि आई नो करीमा यू नो दैट के वी आई स्टडी फ्रॉम इंडियन स्कूल्स तो वहाँ पे आपको कॉलेज में भी इंडियन खाना सिखाया नहीं जाता था जी एंड दैट वाज अ वेरी बिग ड्रॉबैक व्हिच आई फेल्ट वाज कि जब आप इंडियन खाना सिखा रहे हो स्कूल्स में तो वेस्टर्न खाना सिखा रहे हो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन मिशलन स्टार्स बिल्कुल जी बिल्कुल ये जो मिशलन स्टार्स मिलते हैं या अवार्ड्स मिलते हैं वो रेस्टोरेंट के क्विजीन के लिए मिलते हैं उसकी जेन्युइन अप्रोच टू अ कल्चर उसके लिए मिलता Absolutely. है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुकिंग स्कूल्स में इंडियन क्विजीन और इंडियन टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान दें और ये काफ़ी टाइम तक पहले नहीं था दैट्स ट्रू व्हाट ही सेइंग इज राइट आई पास्ड आउट इन 1994 तब तो पैदा भी नहीं होगा दो साल बाद हो गया था अब तो पैदा नहीं होगा हाँ ना मैं जवाब देता नहीं तब नहीं तो मेरा मोमेंट गवा दिया तो तब हमारे कॉलेजेस में कभी इंडियन खाने की जिक्र भी नहीं हुआ था और हमें कहा जाता था कि डोंट वरी अबाउट मिशलन स्टार्स ये आप लोगों के लिए नहीं है तो आप पूछते थे क्यों नहीं है कहते थे आप ट्रेन हो ना आप गोरे शेफ्स के नीचे काम करना आप ए टिपिकल आइडिया ऑफ 100-foot जर्नी कि आप गोरे बॉस के नीचे काम करो तो आपको स्टार मिलेगा दैट्स इट सो आई सेड बट व्हाई कांट वी गेट व्हाई आर वी लेस You're not less than anyone. ये मैं बना रहा हूँ क्रीम चीज बनाना बहुत ही ईजी है अब जैसे घर में छेना बनाते हैं दूध फट जाता है तो आपको उसको छानना है That's it. ये आपका क्रीम चीज एक और स्टेप में बन जाएगा which is gonna be amazing for your kitchen. जी So this is like a kitchen hack. Like मेरे को पता है हम लोगों के यहाँ की जब एक छेना निकलता है we use this as paneer. Yeah. But वो जो क्रीम चीज भी है वो सेम चीज है Okay. So हाँ like chef Garima, like हाँ आपके लिए this is not just for you, like for MasterChef India, this is the first time a female judge has come on board. Yes, मेरे लिए भी पहला time है ये MasterChef kitchen में और you know ये सारे home cooks के साथ, so yeah मेरे लिए भी first time है. But जब आप nurture करते हैं ऐसे young talent को, मतलब इन लोगों ने अभी तक सिर्फ home cooks रहे हैं, घर पे खाना बनाया है and they have tried and tested there. When you get to nurture them, how fulfilling is that feeling? I think because ये होम कुक्स हैं आई थिंक कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इनकी जर्नी हमारे प्रोफेशनल शेफ्स की तरह नहीं रही है जी. पर यू नो हमारा जितना एक्सपीरियंस है हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है खाने की हमारे जितने भी हमने सालों का जो हमारा तजुर्बा है हमको उनको ये 10-12 हफ्तों में सिखाना होता है सो एक्चुअली उनके लिए एक बूट कैंप होता है तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे धीरे धीरे बढ़ती हैं जो फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में आप टीवी पे देखते हैं जो जिस तरह के चैलेंजेस उनको मिलते हैं टाइम के साथ वो और मुश्किल होते रहते हैं टाइम के साथ वो और कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं तो बेसिकली हम तीनों का जो एक्सपीरियंस है उनको कंडेंस करके एक 12 हफ्तों में उनको पूरा ख़त्म करना होता है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है ये और हमारी तरफ से वी ट्राई टू बी लिटिल पेशेंट बहुत ज़रूरी है तो फर्स्ट टाइम जब आप मास्टरशेफ किचन में घुसी थी आपकी फीलिंग क्या थी बिकॉज आई फील लाइक इंडिया में सबका एक सपना जो लोग भी फूड में इंटरेस्ट रखते हैं उनका एक सपना तो होता है कि मास्टरशेफ किचन में एक बार तो आए या नहीं मेरे लिए ऑनेस्टली जितने वो नर्वस नहीं थे उससे ज़्यादा तो मैं नर्वस थी क्योंकि मेरे लिए कैमरा के टाइम कैमरा के सामने पहला टाइम था शेफ रणवीर और शेफ विकास को मिलना दे आर लाइक गॉड्स इन द इंडस्ट्री सो उन दोनों के साथ मिलना सो मेरे लिए एवरीथिंग वाज न्यू तो ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी बट आई हैव टू से बिटवीन शेफ रणवीर एंड शेफ विकास दे वर सो सपोर्टिव दे वर सो काइंड ओके एटलीस्ट शेफ रणवीर वाज सो सपोर्टिव सो काइंड और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आई वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन सो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम या बट जैसे अभी हमने देखा जिस तरीके से रियली निकला है सो लाइक सेट पे बाकी टाइम भी ऐसा होता रहता लाइक शेफ विकास एंड शेफ रणवीर का टीम अप अगेंस्ट यू अ लिटिल No. नहीं इन दोनों के बीच में आई एम द थर्ड व्हील मैं सैंडविच बन के रह जाती हूँ तो नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इनकी यू नो जितनी इनकी नॉटीनेस होती है जिनकी एंटिक्स होते हैं सेट पे मुझे बैलेंस करना पड़ता है बट नो आई एम वेरी ग्लैड आई हैव आई गॉट टू मीट देम एंड वर्क विद देम यू नो एक टाइम आपके करियर में एक टाइम आता है उसके बाद यू नो स्पेशली जब आपका खुद का रेस्टोरेंट होता है यू स्टॉप मीटिंग न्यू पीपल यू नो यू स्टॉप मीटिंग न्यू एनर्जीज आप अपने रेस्टोरेंट में रहते हो उसी पे ध्यान देते हो नए टैलेंट आपके पास आता है आप उसमें इंग्रॉस हो जाते हो उनको सिखाने में बट टू मीट न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री टू मेक न्यू फ्रेंड्स आफ्टर एन एज नहीं होता सो आई एम वेरी ग्लैड आई गॉट टू मीट बिल्कुल अभी तक आप लोगों के लिए विच हैज बीन द स्टैंड आउट डिश ऑफ द सीजन टिल नाउ
आई थिंक काफ़ी डिशेज हैं ऐसी जो आई हैं, शेफ आपके लिए कौन सी थी? मेरे लिए जो सुवर्ण थाली बना के लेके आई थी महाराष्ट्र में खाने की, वो मैं दिमाग से निकल नहीं रही उसका टेस्ट. यू नो क्या होता है, इतना ज़्यादा टेस्ट करते हैं एंड समथिंग स्टिक्स इन योर माइंड फॉर यू, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. बिल्कुल, वो डिश निकली नहीं मेरे दिमाग से. तो स्वर्ण अपने ऑडिशन पे एक महाराष्ट्र थाली बना के लेके आई थी, जिसकी बात शेफ विकास कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वो बहुत ही यू नो उसमें 8-10 अलग अलग टाइप की महाराष्ट्र डिशेज थी, बहुत ही स्वाद डिश थी. पर उसके बाद आई थिंक हमारे किचन में भी काफ़ी मेमोरेबल डिशेज बनी है, जैसे गुरकिरत ने अपने वो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को ब्रेक डाउन करके एक डिश बनाई थी, बहुत स्वाद थी. केडीके ने, कमलदीप जी ने पोंख के साथ एक बहुत रिसेंटली डिश बनाई है. तो यू नो हमारे होम कुक्स ऐसे अपने कभी किसी सीजनल इंग्रेडिएंट के साथ, कभी एक मेमोरी के साथ, कभी एक टेक्निक के साथ खेल के यू नो दे कीप सरप्राइजिंग अस, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. बिल्कुल. एंड शेफ विकास आपने तो मतलब यहाँ पे आ जा, शाम तक काम चलता रहेगा, अभी हमने बड़े कंपेटिटिव हो जाना. मैं भी इधर से उधर. करीमा कांट कॉपी माय गार्निश, ओके? आई हैव ऑलरेडी सेड दैट. अच्छा, आई थॉट यू वर डूइंग द गार्निश फॉर मी. नो, ओके. मतलब मैं ही कर रही हूं यहां. करीमा, आई एम सीनियर इन द किचन. ऑफ कोर्स शेफ. अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए क्या करूं मैं शेफ? तो शेफ विकास ने पूछ रहा था आपसे कि मतलब आपने नॉट जस्ट मास्टर शेफ बट इंडियन किचन को रिप्रेजेंट किया है इवन आउट ऑफ फ्रेंचाइजीज पे. आई रिमेंबर सीइंग यू ऑन मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया. And वहाँ आपने represent किया. When you get to represent your culture, the food that we grew up with, and give it a twist of your own on an international level, how proud does that make you feel? Makes me very humbled and also nervous at the same time. आप देख रहे हैं जो dish मैं भी बना रहा हूँ, ये बिल्कुल देसी है. जी. छेना सबके घर में है, right? जी. अब छेना को बिल्कुल soft, fresh छेना को आप एक blender में डाल रहे हैं. That's it. इसमें थोड़े flavors को हम डालेंगे, and that's your cream cheese. जो आपके फ्रिज में रह सकता है तकरीबन 7-10 दिन तक. जी. सो गुड वैल्यू एंड गुड आइडिया फॉर मॉम्स टू से कि बच्चों को क्या करके वो टेस्ट करवा सकते नई डिश. जी, मेरा यही पर्पस रहता है व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज, इट हैज़ टू बी सो ऑर्गेनिकली प्लग्ड इन. बिल्कुल. एंड यू नो इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिकली प्लग्ड इन बिकॉज यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ऑल द वेस्टर्न शेफ्स, राइट? जी. सो मुझे लगता है कि व्हाट ऑफ कोर्स व्हाट आई हैव डन इज मच ओल्डर. What Garima done is a total new fresh take on Indian cooking. बिल्कुल. एंड लाइक शेफ गरिमा के बारे में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, आई रियलाइज लाइक द जर्नी शी हैज़ हैड इज वेरी इनक्रेडिबल टू काइंड ऑफ डिसाइड फ्रॉम वन करियर टू अनदर. जहाँ हमारे यहाँ लोग वैसे ही बहुत स्केप्टिकल होते हैं, इट हैज़ बीन अ वेरी बिग थिंग दैट यू हैव डन एंड अ वेरी बिग इंस्पिरेशन यू हैव बीन फॉर अस. थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर दैट. आई एम नॉट एन इंस्पिरेशन. देखिए क्या होता है, सभी लोगों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनमें ना एक कैपेबिलिटी होती है, उनमें एक पैशन होता है, उनमें एक सपना होता है. बहुत ज़रूरी होता है कि आपके आसपास के लोग वो पैशन को सपोर्ट करें, वो ड्रीम को सपोर्ट करें. सो आई हैव बीन लकी इनफ दैट आई हैव अ सेट ऑफ पेरेंट्स, हस्बैंड हू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. बट एक्चुअली लॉन्ग एंड शॉर्ट ये, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट टैलेंट, टू सपोर्ट अ ड्रीम, टू नर्चर पैशन. बस बाकी सब तो हो जाता है. बिल्कुल. गरिमा कह रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस बात की कि आप अगर एक प्लांट नहीं ग्रो करता, नर्चर नहीं होता, मिरेकल ट्री नहीं बनता, तो प्लांट की गलती कम है, सराउंडिंग की गलती ज़्यादा. जी. सो आई फील दैट फॉर अस टू विटनेस अ होल न्यू स्ट्रीम ऑफ इंडियन फीमेल मिशलिन स्टार शेफ्स, जी, दैट हैज़ टू बी नर्चर फ्रॉम आउटसाइड. बिल्कुल. उनकी फैमिली से, उनकी कम्युनिटी से. अनिल जी कोको ना, इसके पापा. जी. So, Garima, give us a little insight into what you are cooking right now and what is going on. मैं अभी तक तो शेफ विकास का ही नीजा प्लस कर रही थी, जो उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी कि गरिमा ये सब करके रखना, उसके बाद तेको जो करना तो अपने आप देख लेना तेरा. मैं तो तुझसे अच्छी डिश बना के रहूंगा. तो वो तो मुझे पता है डिश तो उन्होंने बात कर रही है, डिश तो उन्होंने अच्छी बनानी है, मुझे थोड़ा कुछ आता है. ओके, नाउ सी द कंसिस्टेंसी, तो बताओ. ओह, दिस इज अमेजिंग. दिस इज अ लिटिल ग्रेनी. स्टनिंग. दिस लुक्स अमेजिंग, राइट? अभी कोई चीज में फ्लेवर्स नहीं है, कुछ नहीं है. वी नीड टू पुट लिटिल सॉल्ट. करीमा जी, मैं सॉल्ट डाल दूं? आप सॉल्ट डाल दो. अब बोलेंगे नमक ज्यादा हो गया करीमा. आई फील लाइक मेरे पेट में अभी तक गुड़गुड़ नहीं हो रही थी, बट ये देख के गुड़गुड़. जस्ट सी दिस, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ दिस. ये कितनी देर में बना? तकरीबन 7 मिनट पर. सीरियसली, सो फास्ट एंड सो क्विक एंड सो क्विक एंड सो इजी एक्चुअली इफ यू लुक एट इट. बिल्कुल. थोड़ा सॉल्ट, और मैंने देखा कि लोग इसको लैक्टोज को थोड़ा कम करने के लिए प्रोसेस में वो भी डालते हैं शुगर. Sugar. But I don't prefer, क्योंकि यहाँ का ना दूध बहुत मीठा है यहाँ का ऑलरेडी.
So look at this. Now this is an amazing spread. So my job is done. और मेरी ये है garnish. जी. अच्छा आपका हो गया. मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ फिर अपना. Okay. चलो. So विकास आप मतलब 6 सीजन हो गए हैं आपको joined with the MasterChef family. For you, how has it been kind of associating with this? Because at each step, you get to explore so much of culinary wizardry that is existing in our country. जो ये सीजन है ना ऐसा सीजन कभी नहीं हुआ था. I'll be honest with you. Because this is post-pandemic season. So you also understand that the country has changed, home kitchens have changed, everything has changed now. सही in a very different way. I feel that is what has gotten this show to the next level because. आदमी कितना कुक कर रहे हैं इस कंट्री में आज की डेट में व्हिच वाज टोटली नॉट हर्ड ऑफ मेन वर कुकिंग बट नाउ एवरी द होल ग्राफ इज चेंज्ड पीपल आर मोर क्यूरियस अबाउट देयर ओन क्यूजीन देयर ओन हेरिटेज व्हिच आर एब्सोल्युटली अमेजिंग तो अभी हमारा शुरू होगी प्लेटिंग की बात आ गई तो अच्छा आप रेडी हो गए तो चलो ठीक है हम भी रेडी और हम इसमें पूरे सीजन में हमने सुनते आए हैं कि आपने 3 चीज़ें बोली हैं कि स्वाद आप देखें पहली लेयर जो है मेरी टोस्ट के ऊपर वो क्रीम चीज़ है जी राइट गरिमा यस सर गुड आईडिया राइट वेरी गुड कैन आई बोरो सम क्रीम चीज फ्रॉम यू जस्ट फॉर कलर शेफ आई वाज नो फ्लेवर आई प्रॉमिस यू शेयरिंग ओह ही इज गाइस देख लो दे दिया उन्होंने तेरे लिए मेरी माय थंबनेल तेरे लिए मेरी जान हाजिर है गरिमा या दिस विल बी माय क्रीम चीज क्या है या थैंक यू शेफ पर इस सीजन में 16 होम कुक्स आए थे सो गुड सो फ्रेश माय गॉड इट्स डिलीशियस तो व्हाट आई डू इज अ गुड ट्रिक इज Though this side is beautiful, I feel. But what happens is that I have to turn this side upside down and then I stick it boom. Oh. Right? For that, I need a clean kitchen towel and then I'm ready to go. See this. So this is a very good trick that you do dimension work. You say that. आप सब कहेंगे मेरी मम्मा अगर देख रही तो मम्मा बोलेगी आई इतनी ज़्यादा एक एक चीज़ को लेके बैठा रहता है इसका ये काटो इसको ऐसे करो मॉम जस्ट डज नॉट लाइक ऑल दिस बट इज शी द हार्शेस्ट क्रिटिक यू हैव एट होम शी सेज के ऑफ कोर्स शी सेज दैट नेक्स्ट रेस्टोरेंट हैज टू रिप्रेजेंट देख रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ डिफरेंट स्केल जी व्हिच आर एब्सोल्युटली इन सिंक विद हर सो आपने इसी को उल्टा करके ऐसे कर दिया और अब क्या करेंगे आप ये अपना टोस्ट लेंगे जो परफेक्टली अलाइंट है हम इसको स्टिक करेंगे इसके ऊपर राइट जी प्रेस इट वंस सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल है ना आपके लिए मैं प्लेट लेके आऊं व्हाट कलर वुड यू प्रेफर अरे बड़ी तेज है लड़की देखा ये होता है सूस शेफ बट शेफ विकास लाइक 16 होम कुक्स आए थे इस सीजन में अभी तक आपको किसकी ग्रोथ ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है द एवोल्यूशन द ग्रोथ दे हैव शोन इन द नॉलेज ऑफ कुकिंग एंड आल्सो द वे दे हैव आई डोंट लाइक टू टेक एनीवनस नेम इन पर्टिकुलर बिकॉज आल्सो फील कि सबकी ग्रोथ डिफरेंट है जी जी सम पीपल आर इवॉल्विंग इन डिफरेंट वे सम आर इवॉल्विंग इन अ वेरी बेसिक वे बट मेनी ऑफ द होम कुक्स व्हाट आई फील हैव व्हिच हैव चेंज्ड इज दैट दे हैव टेकन कुकिंग टू द नेक्स्ट लेवल आई फील जी मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट राय हमारे लिए बिल्कुल येलो शेफ व्हाट वुड यू प्रेफर आई फील लाइक 3 कलर्स हां यू कैन चूज व्हाटएवर यू लाइक नो मोर चॉइसेस अच्छा और चॉइसेस नहीं जी बैठो आपको कुछ और लेके आऊं नहीं मैं ठीक हूं मेरी डिश तैयार है ऑलमोस्ट बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू ओवरडू सच रस्टिक सैंडविचेस शेफ गरिमा आपको कभी ऐसा मतलब कुछ ऐसा लगता है कि मतलब इंडियन क्यूजीन के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन हो लोगों को या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है लोगों को पता होना बहुत जरूरी है अब हम परवाह करनी बंद कर दिया वो भी बात सही है अब हम दोनों कहते हैं कि नहीं पता तो इट्स योर फॉल्ट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग यू आर मिसिंग आउट ऑन फ्लेवर यू आर मिसिंग आउट कि हाउ रियल फूड टेस्ट लाइक अब हम दोनों ने वो प्रचार करना बंद कर दिया No, he's right. After a point, you have to let it also organically grow. हम इतना ही बोल सकते हैं But नहीं internationally बहुत ये हमारे यहाँ पे एक misconception है कि Indian food spicy ही होता है Indian food you know sorry smelly होता है सिर्फ curry है सिर्फ naan है So this misconception, of course, we try to break. कि इंडियन फूड इज सो मच मोर देन जस्ट करी एंड नान करी होता भी क्या इंडिया में किसी को पता ही नहीं हम घर पे कभी करी बनाते हैं कभी खाते हैं कभी नहीं सो आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है और
ये मिसकंसेप्शन हमारी वजह से है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टेकन विद अस एंड शोन एज इंडियन फूड, जो उस टाइम की नेसेसिटी थी. बट आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि हम रियल इंडियन फूड की बात करें, और वो हो रहा है, और सिर्फ हम नहीं, हर एक शेफ कर रहा है ऑन अ बिग स्केल. या सब टेकन दिस होल थिंग लाइक अ मिशन, व्हिच इज ग्रेट. प्राइड होती है तो मिशन होता है. And I feel that we are feeling pride of Indian cooking on the global stage. आप pineapple भी use कर रही हैं? नहीं, आप use कर सकते हैं. मैंने आपके लिए बनाया. अगर बच जाएगा मैं use कर लूँगी, वरना आप, it's all yours. हमने नहीं copy करना. अच्छा. But जैसे one thing I'm very happy about this season is कि मतलब this is my resume moment that I have been fed by Chef Vikas Khanna in person, and this is a still I'm gonna use forever. And in social media पे तो जाएगा ही, but this will be मेरे लिए भी बहुत important moment है. आज विकास ने अपना तीन चीज मेरे से शेयर किया. उन्होंने अपना मीज़ा प्लास मुझे दिया. Normally वो इतने competitive होते हैं, ऐसे कभी करेंगे नहीं. But क्या बात कर रही है, really? हाँ, आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है. I feel whatever आपके लिए है, वैसे मेरे whatever we do, you know, in this kitchen, outside this kitchen, it has to inspire people के आपके सामने cooking किया, right? जी. आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच कुकिंग हो रही है ये. बिल्कुल. सो यू वांट टू टेल पीपल दैट दिस इज एब्सोल्युटली, देयर इज नो मैजिक इन इट. अच्छा. आईडिया मेरा था, पैन मैं लेके आया. बात तो सही है, पर मैं इतना बोलूंगा कि पाइनएप्पल थोड़ा और मीठा लगा मुझे, बिकॉज शेफ विकास ने खिलाया. आए मैं मर जाऊं. इतने शेफ का आपने क्या दिया उसको, इतनी क्यों तारीफ कर रहा है आपकी. ओ माय गॉड, स्टॉप स्टॉप माय मीज़ा प्लस. सो ऐसा, I don't want to do anything more to this. So beautiful. So this is my अभी fresh cream cheese जो बनाया हमने. जी. वो उसके साथ है हमारा multi-grain bread. जी. So easy, which was toasted. और ऊपर हमने use किया है cucumber को एक scale की तरह fish के. और ऊपर है हमारे cranberry और साथ में grilled pineapple. So clean, so beautiful. I have to say, this is why he is who he is. बिल्कुल. Perfect. Ready? शुरू. Three seconds. अच्छा, अगर आपने dialogue ठीक बोल दिया मैं रुक जाऊँगा. अगर आपने dialogue ठीक बोल दिया फिर I'll stop you. सब देख रहे हैं. अच्छा. Last 3 seconds. 3, 2, 1. गरिमा, काम खत्म पीछे कदम. टाइम खत्म पीछे कदम. तुम माने क्यों नहीं मेरी बात. Sorry. Okay. I'm done. But टीवी पे देखते रहे. 3, 2, 1. इतना जल्दी होता नहीं है. अभी बहुत जल्दी हो गया. 3, 2, 1. हाँ, इतनी जल्दी बोला. 3, 2, 1. बिल्कुल. बट आई फील लाइक दिस, एक चीज मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक सिंस पैंडेमिक के बाद हुआ है ना, वी हैव टू गॉट टू सी चैलेंजेस दैट आर हैपनिंग आउटसाइड आल्सो, लाइक फूड ट्रक वाला चैलेंज. हाँ, वो तो बड़ा मजा आया. सो आई फील लाइक जब उसकी ओपनिंग मैंने बोली थी, हाँ, ऐसी ओपनिंग हमने कभी नहीं सुनी. और उनके जो जिन्होंने वो बनाया है, कौन है सब वो. अच्छा, कोई बात नहीं. चलो, अमूल दूध से. आई रियली थिंक इतना इसमें ग्रेन होना चाहिए. इट्स नॉट समथिंग इन बिटवीन रिकॉटा एंड क्रीम चीज़, राइट? बहुत अच्छा है. इसको रख लेते हैं ना अपने. थैंक यू. रेडी? एक लास्ट शॉट है ये. थोड़ा पेपर मस्ट है, मार लिया. जी, दैट्स इट. ओके, चलो, आई एम आल्सो डन. चलो लेट्स गो. ऑलराइट, ये बन गया आपका एवोकाडो और स्पाइसी टोमेटो पाइनएप्पल का सैंडविच. चलो, खाना खा के बता बेटर किसका है. बहुत सोच समझ के जवाब देना. और थोड़ी पीछे ही रहे. हाँ. ओहो. ओके. बहुत सोच समझ के जवाब देना. ये थोड़ा खतरे वाला टेस्टिंग होगा. ओके. ओह माय गॉड, हमें बोला गया टीवी पे किसी को मार नहीं सकते, बस ये सोच लेना. दिस इज द फर्स्ट. टीवी पे नहीं, उसके बाद टीवी पे जब एक बार कैमरा रोल बंद होगा वो भी याद रखना. जी. सो फॉर मी एवरीथिंग इज अबाउट क्लीन फ्लेवर्स. जी, क्लीन फ्रेश. आपने चीज़ बनाया, आपने टोस्ट पे लगाया, विच एवरीबडी थिंक्स इज मुश्किल है, बहुत आसान है. आपने ऊपर एक क्यूकम्बर, जो लोग कहते हैं कि एक ही तरीका है चीज़ को सर्व करने का, आई फील कि आप उसी चीज़ के हज़ार तरीके सर्व करने के. उसके ऊपर हमने ग्रिल पाइनएप्पल और थोड़ी क्रैनबेरीज है. सो टेक अ बाइट. देयर आर फ्यू डेज आई लव माय जॉब एंड टुडे इज वन. अपने हाथ से खिला रहे हैं, मतलब इतना मस्का लगाओगे उसको. देखिए, आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कितना नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ. अपने हाथ से खिला रहे हैं. इट्स अ पैकेज. The whole thing is a package. This is rigged. I am calling this. ये तू खिला दे उसको. That cream cheese. How's it? Is amazing. I completely agree with you. वो थोड़ा graininess. मैंने रखा. It's very necessary. वो graininess का मतलब. It gives a texture also. It's something in between cream cheese and ricotta. I feel that. No, I totally agree. ये तो आज मैंने भी एक बहुत interesting चीज सीखी है. But doesn't mean he has to win this. Okay?
छेना तो सबको आता ही बना Very nice. I am in heaven right now. Which heaven is better? There are two heavens here. नहीं देख वो hell है मैं बता रही हूँ ये हमेशा मेरे ना यहाँ पे एक तरफ शेफ रणवीर होते हैं एक तरफ शेफ विकास होते हैं देखिए जजिंग का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता हूँ इस खाने को बिकॉज मेरे लिए दिस इज heavenly for me this is a master class this is not a competition no. but you know it actually so politically correct नहीं पर मैं no, सच्ची बताऊं not just politically but actually like both of them have such different things it has that freshness of the cream cheese the cucumber but the sweetness of the pineapple and the berries right cranberries yeah तो मतलब वो पूरा है इसमें you get a little bit of masala वाला kind of take because of the tomatoes and then avocado and everything so avocado was good addition and I got to taste with everything maine pineapple bhi thoda shift kiya tha very good but you both have been kind of inspiring I have used this word a lot of time during this whole kind of cook off but I will say it again both of you have been inspiring a lot of people all around today I got doubly more inspired because I got to see it in person oh. so thank you for giving me this chance thank you for sharing a little bit of your food journey and a journey on MasterChef thank India thank you for being so politically correct but you. MasterChef India is doing wonders and thank you Chef Vikas and Chef Garima again for giving us thank this you experience. For coming to our kitchen thank you so much thank you thank you so much main dekh rahi hu aap kaun sa khatam karoge and this experience baba I can't have this alone. All the people who are here need to experience. Chalo. All right. Very nice okay, ji, guys. Thank you. See you all. Watch us at 9 p.m. every day. Chef Vikas and Garima, you're watching us on Bollywood Bubble. Please like, share, and subscribe. Bol do na. Please, jo kariye kar lo. Ye badi tikhi chef hai. Yeah. Sara kaam to maine kiya, but please do that. See you.